थ्री रेजिस्टेंस, और वो है 6 ओम, ये लगा हुआ है 6 ओम, 2 ओम ये लगा हुआ है 2 ओम, 4 ओम ये लगा हुआ है 4 ओम, आर ज्वाइंड एन एमीटर, एमीटर ये लगा हुआ है ए, एंड द सेल ऑफ द ईएमएफ ये 6 वोल्ट एंड शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि आर नेट कैलकुलेट करो आप। तो अगर यहाँ से करंट आई चल रहा है, ये आई चल रहा है, ये आई चल रहा है, तो आई को दो रास्ते मिलेंगे, आई वन और आई टू। आई वन इधर से होते हुए, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए आएगा, यानी कि आप ये देख रहे हैं कि इसमें और इसमें सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो ये सीरीज में हो गए, सीरीज में हो गए। तो आर नेट अगर हमको कैलकुलेट करना हो यहाँ पर, या आर डैश कर लेते हैं, तो आर वन प्लस आर टू ये फार्मूला हो जाएगा, 4 प्लस 4 ये 8 ओम हो जाएगा, ये 4 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 तो ये 6 ओम हो जाएगा। और अब हमारी जो सर्किट बनने वाली है, ये अमीटर और ये कुछ इस तरीके से बनने वाली है, ये इनको और इनको लगा के हमने 6 ओम कर लिया, ये हमारा पहले से ही 6 ओम है, और ये सर्किट हो गया, ये बैटरी है, ये बैटरी है, ये और 6 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल में है, करंट अभी भी वही जाएगा, आई वन और आई टू, करंट अभी भी देखो डिफरेंट है तो पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल में होता है आर डबल डैश आर वन और आर टू, ये फार्मूला हो जाएगा। तो 1/6 + 1/6, 2/6, 1/3, 1/r" आर डबल डैश इक्वल टू 3 ओम हो गया, ठीक है, कितना हो गया 3 ओम हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, इन दोनों को हमने देख लिया आर नेट सर्किट में कितना आ गया 3 ओम। हाँ यही यही हमारा आंसर ही हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारा यही आ रहा है, यही हमारा आर नेट हो जाएगा, ठीक है। रीडिंग ऑफ अमीटर पूछ रहा है, अमीटर कितना रीड कर रहा है, तो अमीटर की रीडिंग के लिए आई इज इक्वल टू ई अपान आर नेट होता है, तो आई इज इक्वल टू ई की वैल्यू 6 है, आर नेट की वैल्यू अभी अभी निकाला 3, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है, ये 2 एम्पियर हो जाएगा।